लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि अभी मैंने मंच पर बहुत लोगों को सुना और अभी हमारे भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया, आप सभी को बताया। देखिए भंते जी को मैं सबसे पहले एक जवाब देना चाहती हूँ, ये जरूरी है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है और मैं अपने परिवार में पूरी तरीके से भावनाओं के साथ तार्किक रूप से सम्मिलित हुई हूँ। आप सभी लोग वाकिफ हैं आफ्टर निर्भया केस 2020 में जब निर्भया केस डिसाइड हुआ, यही बीजेपी पार्टी आपकी इस बहन बेटी को कितने ऑफर दिए होंगे, इस चीज को आप लोग एक बार सोचिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ स्वयं अम्बेडकर जो है, जिन्होंने बहन जी ने जिनको हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश में काम करने के लिए लगाया है और तमाम जो हम केस अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं उनमें हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों को पता है। सुबह शाम कॉल आते थे, लगातार एक महीनों तक कॉल आए हमारे पास उन पार्टियों के जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, लेकिन आपकी इस बहन ने चुना किसको, जिसकी आइडियोलॉजी मानवतावादी आइडियोलॉजी है उस पार्टी को चुना है और वो है बहुजन समाज पार्टी। मानवर साहब कांसीराम जी के संघर्ष को आप सभी लोगों ने, अगर मुझसे जुड़े हैं, मैंने फेसबुक लाइव हमेशा किया, मैंने खुल करके बात की, इस देश की एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिसको हम किसी भी मंच पे, सिर्फ भारत नहीं वैश्विक पटल पर किसी भी मंच पर ये कह करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ हम उस पार्टी से आते हैं जो समतामूलक समाज की बात करती है, हाँ हम उस पार्टी से आते हैं जो मानवता की बात करती है और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जब बहन जी हमारी सत्ता में आती है, जो पार्टी बहुजन के आइडियोलॉजी से बनी पार्टी थी और जब बहन जी सत्ता में आती है तो वो सर्वजन की बात करके ब्राह्मण को भी भागीदारी देती है, ओबीसी को भी देती है, दलित को भी देती है, माइनॉरिटीज को भी देती है, एसटी को भी देती है। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, अभी पिछले दिनों जब बहन जी ने मुझे प्रभारी लगाया, बहन जी के साथ करीब हमारी 1.5 घंटे अकेले में बातचीत हुई, बहन जी ने ये बात हमसे कही और ये सच है, ये सिर्फ बहन जी की बात नहीं है, हम सभी लोग बखूबी जानते हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, आप बताइए कभी किसी मीडिया चैनल ने दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी ने जब उनका शासनकाल 4-4 बार रहा इस उत्तर प्रदेश को क्या दिया है और इस बहुजन समाज को क्या दिया है और दलित समाज को क्या दिया है। एक बार आप जाकर के देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का डेवलपमेंट निकाल दिया जाए उत्तर प्रदेश में, देखने लायक लखनऊ में कुछ नहीं बचेगा, ये सच है। चाहे वो अम्बेडकर पार्क बनवाए हों या तमाम हॉस्पिटल बनवाए हो, महामाया इंटर कॉलेज बनवाए हो, 6-6 विश्वविद्यालय बनवाए हो या एक्सप्रेस वे भारत में पहला कॉन्सेप्ट हमारी बहन जी लेकर के आई है, ये वो पार्टी है। और मैं सैल्यूट करती हूँ बाम सेफ के लोगों को, हमारे पदाधिकारियों का, जो कि कभी फ्रंट पर नहीं आते हैं लेकिन उनकी खून पसीने की कमाई के सहयोग से ये पार्टी आज तक चल रही है। लेकिन जो वर्तमान का सिनेरियो है, जो सत्ताधीन पार्टी है, वो है आज की डेट में बीजेपी। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, इलेक्शन कमीशन उनके पास है, मीडिया उनके पास है, बड़ी फंडिंग पूंजीपतियों की उनके पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है आप लोगों का डेडिकेशन, आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका पैसा, सब कुछ आपका है। और ये पार्टी मेरे अपने लोगों की खून पसीने की सिंचाई से बनी पार्टी है। जी ने जैसे अभी कहा ओबीसी के लिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नो डाउट पॉलिटिक्स में उथल पुथल होती है, लेकिन यह भी सच है, सभी जानते हैं कि ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता बसपा में जब थे तो हमारी बसपा सत्ता में रही। और यह भी सच है कि बहन जी ने जिस स्ट्रेटजी से काम किया उस वजह से हम सत्ता में आए और आज भी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी हमारी बसपा है, कोई और पार्टी नहीं है। उत्तराखंड में हमने 2-2 विधायक बनाए हैं, पंजाब में बनाए हैं, तमिलनाडु में हमारे जो रिटायर आईपीएस भाई वो सक्रिय हैं, दिल्ली में भी हम फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत निष्क्रियता थी हम लोग सक्रिय हो रहे हैं। अगर बहन जी ने मुझे भेजा है यहाँ पर
मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे और हम दोबारा से लौटेंगे, क्योंकि ये सच है। हम कोई भी मूवमेंट चला लें, हम कितने भी सामाजिक संगठन बना लें, हम कुछ भी कर लें, हम मीडिया हाउस भी बना लें, लेकिन जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, जब तक हम संसद में नहीं होंगे, जब तक हम विधानसभा में नहीं होंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हमारा भारत का संविधान बनाना, जो कि बाबा साहब ने बनाया था। उस संविधान को जब मैं बाबा साहब के बारे में सोचती हूँ, जब मानवर साहब के बारे में सोचती हूँ, कि बाबा साहब जिस बच्चे को अपने स्कूल में साथ में अन्य बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, वो बच्चा इतना डेडिकेशन से आगे बढ़ गया कि ब्रिटेन में, लंदन में, हर जगह जाकर के उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करके इस देश को वो संविधान दे दिया, ऐसा संविधान दे दिया कि जिस देश की अखंडता की बात करते हैं कि पटेल ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। मैं कहती हूं, पटेल ने अगर देश को यूनाइट कर दिया तो बाबा साहब के संविधान के वजह से मेरे देश की अखंडता आज भी बची हुई है। नहीं, पड़ोसी देश को आप देख लीजिए, पाकिस्तान को आए दिन, कभी भी जब से पाकिस्तान बना है कभी भी 5 साल अपनी सरकारें नहीं चल पाई। ये संविधान की खूबसूरती है। और ये संविधान किसने बनाया? हमारे बाबा साहब ने। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं डेली की जब भाषण सुनता हूँ, जब डिबेट डिस्कशन सुनता हूँ कि संविधान कैसा बनेगा, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक सभाएं चलती रही, तो कहते मैंने सोचा कि मेरा निर्णय सबसे सही था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जैसा काबिल व्यक्ति हमें इस देश के अंदर संविधान बनाने को नहीं मिलता। ये किसके शब्द हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि बाबा साहब उस टाइम अकेले लड़ करके एक संविधान, ऐसा संविधान बना गए जिस संविधान ने रिजर्वेशन दिया, इक्वलिटी की बात की। आज हम लोग इतना अपने आप को जागरूक कहने के बावजूद भी उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है, एक बार खुद हमें अपने अंदर आकलन करने की जरूरत है कि एक व्यक्तित्व जिसने इतना बड़ा संविधान लिख दिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया महिलाओं को आजादी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पर, और ओबीसी के जो ओबीसी को जो अधिकार दिलवाने थे उनके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? उसका कारण जो मुझे समझ में आता है वो 2 चीजें हैं। पहली चीज, या तो हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए हैं कि बाबा साहब ने एक बार संविधान 1950 में बना करके दे दिया, उसमें जो अधिकार मिले हम उससे संतुष्ट हैं, हम रिजर्वेशन लेते रहेंगे और हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे, हम शासन सत्ता में भागीदार बने या नहीं, या तो हम संतुष्ट हो गए हैं। अगर संतुष्ट नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है कि हमारी यूनिटी जो थी, जो मानवर साहब ने, कांसीराम जी ने हम लोगों को यूनाइट कर दिया था, वो हमारी यूनिटी कहीं ना कहीं टूटी है, ये भी कारण हो सकता है। ये 2 मुझे प्रमुख कारण समझ में आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट ये मत मान के चलिए आप लोग कि हमारा मूवमेंट कमजोर पड़ गया। नो डाउट थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। ईवीएम पर भी लोगों ने ब्लेम लगाया है, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये भी सच है कि भविष्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अगर ब्राह्मण का बच्चा है, मैं खुद इस चीज को आप लोगों के सामने कह रही हूँ, आईएएस की मैंने तैयारी की, मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, जब किसी ब्राह्मण समाज की बेटी हमसे ये कहती रिजर्वेशन गलत है, और जब मैं आर्ग्यूमेंट उससे करती भी डिफीट कर देती, इसलिए क्योंकि हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं किस चीज को, संविधान को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, मानवता को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, समतामूलक समाज को। और ये जस्टिफिकेशन कहाँ है? हमारे संविधान में, हमारी बहुजन समाज पार्टी के विचारों में, हमारे मानवर साहब ने जो कहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, या हमारे तमाम महापुरुषों ने जो बातें कही,
लेकिन वो अलग बात है कि इतिहास लेखन में हमारे महापुरुषों ने जो लिखा उसको पढ़ाया ही नहीं गया। अब आप सोचिए कि स्कूल के सिलेबस में बाबा साहब को पढ़ाना, मानवर साहब कांशीराम जी को पढ़ाना, हमारे महापुरुषों को पढ़ाना कितना जरूरी है। आप उन सिलेबस में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम को आप कैसे शामिल कराएंगे? क्या बिना शासन सत्ता में आए आप शामिल करा सकते हैं? वो तो मैं अगर लाखों सैल्यूट करूं मानवर साहब कांशीराम जी को, जिन्होंने चाहे वो ओबीसी समाज के, चाहे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनको बहुत हद तक लोगों के घरों में पहुंचा दिया है, उनकी बहुत बड़ी देन है। अदरवाइज हम ही सभी लोग जानते हैं आज लोग मजबूर हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। यही दिल्ली में केजरीवाल जी, आज उन्होंने बाबा साहब के नाम पे स्कूलों के नाम रखे। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर दलित समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटीज को, हर किसी को ये पार्लियामेंट भेजेंगे, क्योंकि इतनी जागरूकता आएगी एक समय में, लेकिन उसके लिए हमें यूनाइट होने की जरूरत है। हमें अपने व्यक्तिगत हित को साइड रखना पड़ेगा। मैंने अपना व्यक्तिगत हित साइड रख दिया, मैं पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। कुछ भी हो जाए, इस पार्टी में हूँ, उम्र रहूंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं जो मानवतावाद की बात करें। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जहां मानवता की बात होगी वहां जाएंगे। तो ये सच है। और आगे मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक और बात कहूंगी, माता सावित्री बाई फुले जी को हम सभी ने पढ़ा है। गूगल में डूडल बना करके 2 साल पहले एक स्त्री को दिखाया गया जो बहुत सारे बच्चों को अपने पल्लू में लिए हुए है। लोग कह रहे हैं स्त्री कौन है, भारत के लोग कह रहे हैं, जबकि गूगल को पता है कि माता सावित्री बाई फुले कौन है। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश है कि हमारे समाज की एक स्त्री जो देश की प्रथम अध्यापिका बनी, बच्चों के लिए स्कूल बनाए, उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। हम लोगों के खून में समता मूलक समाज की स्थापना है, इसलिए जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया हम उनके साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। इसीलिए भविष्य हम लोगों का है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो। यही ब्रिटेन भारत में साम्राज्य स्थापित करके यहाँ से चले गए। आज जब वो जलियांवाले बाग में आए तो वहां के प्रधानमंत्री घुटने टेकने लगे, क्योंकि इतिहास कभी छुपता नहीं है। अगर बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं दलित समाज के ऊपर, यह इतिहास कभी नहीं छुपेगा। भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, लेकिन हमारे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी में लेख करने वाले लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, ये सब हमारा इतिहास है। और ये इतिहास हमारा भविष्य पढ़ेगा, ये देश पढ़ेगा, और हम सब लोग जानेंगे कि भारत का एक्चुअल में भारत भाग्य विधाता कौन है। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये भारत का भाग्य विधाता है जो शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। अगर उनके नीचे से कुर्सी खींच ली ये बहुसंख्यक आबादी ने, तो आप समझ लीजिए कि इस देश का तख्ता पलटेगा। और ये संविधान जिसको आज हम बचाने की बात कर रहे हैं, इससे इस समता मूलक भारत की स्थापना होगी, देश की स्थापना होगी। लेकिन इसी से तो डर है, और जो लोग डर रहे हैं उनको भविष्य में डरने की जरूरत है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी इसके लिए, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, मानवर साहब ने व्यवहारिक रूप से कैसे काम करके आंदोलन खड़ा करके सत्ता में पहुंचा जाता है, ये मानवर साहब जी ने करके दिखा दिया, बहन जी ने भी करके दिखा दिया। अब एक कदम हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है।